देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी के वार्ड नंबर 13 में पांडे निवासी दूध विक्रेता तिवारी का निवास स्थान है। जानकारी के मुताबिक दूध विक्रेता तिवारी एवं परिवार के 3 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके पश्चात शासन प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इलाज हेतु सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से कालाडूंगी चौराहे स्थित दुकान को सील कर दिया गया है एवं उनके निवास स्थान पांडे निवास में किसी भी प्रकार की बैरिकेडिंग एवं सुरक्षा के इंतजाम आज देखने को नहीं मिले। वहीं दूसरी ओर वार्ड के पार्षद रवि जोशी से वार्ता करने के बाद ज्ञात हुआ, अभी तक मेडिकल एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनके निवास के आसपास रहने वाले व्यक्तियों की किसी भी प्रकार की मेडिकल जांच नहीं की गई। पार्षद से पूछे जाने पर क्या गली में बैरिकेडिंग एवं अन्य सुरक्षा की दृष्टि से कोई कार्य किया गया है, इससे पार्षद ने कहा, पांडे निवास में बैरिकेडिंग एवं सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी ओर सैनिटाइजर को लेकर पार्षद ने कहा कि नगर निगम के द्वारा लगातार पांडे निवास में सैनिटाइज करवाया जा रहा है और साथ ही पार्षद का कहना है स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक वार्ड में तैनात किया जाना चाहिए, जो कि समय समय पर वार्ड की जनता के मेडिकल चेकअप एवं अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करे। शहर में ऐसे कई स्थान देखे गए जहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी सुरक्षा के इंतजाम बैरिकेडिंग इत्यादि नहीं की गई है, जहाँ पर बाहरी लोग भी आ जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे हालातों में संक्रमित होता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, शासन प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग या आम जनमानस की? आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। आपके वार्ड में एक दूध विक्रेता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनको सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है इलाज के लिए। वहीं दूसरी ओर उनकी दुकान को शासन के द्वारा सील कर दिया गया है। क्या जहां पे उनका निवास स्थान है वहां पे सैनिटाइजरिंग या जो आस पास के घर हैं किसी की मेडिकल चेकअप बैरिकेडिंग कोई व्यवस्था की शासन ने? नहीं, ऐसा है कि आस पास के घर की किसी की भी चेकिंग नहीं हुई है। और जहाँ तक रही बैरिकेडिंग की बात, तो मुझे लगता है यहाँ पर बैरिकेडिंग की उतनी सख्ती ज़रूरत अभी नहीं है। और जो 3 संक्रमित पाए गए हुए हैं, वो एक तो जो है तिवारी जी, वो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है, डायलिसिस हो रहा है उनका। और बाकी के जो उनके फैमिली मेम्बर 2 हैं, वो आज जा रहे हैं या कल चले गए हैं वो, और उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और सैनिटाइजिंग नगर निगम द्वारा लगातार कराई जा रही है यहाँ पर। जिस तरह देखा जाए कि उनकी दुकान थी वहाँ कई लोग दूध लेने आया करते थे या जो दूध देने आते थे, क्या उनका भी मेडिकल चेकअप या कोई सुरक्षा दृष्टि से कोई काम किया गया शासन द्वारा? ये तो वहीं वाले बता सकते हैं, क्योंकि हम तो अपना मोहल्ला और क्षेत्र देखते हैं। और यहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर स्थिति सही है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और लगातार एक दूसरे का आपस में दूसरे की मॉनिटरिंग हो रही है, अगर किसी को बुखार या कुछ होता है तो बताया जाता है। स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे आगे समय समय पे जो जनता रहती है उनके टेस्टिंग कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो कुछ नहीं है, पूरी लापरवाही। स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रहा है, ना कुछ देखने के लिए आ रहा है, ना पूछने के लिए आ रहा है। आपको इस विषय में कुछ कहना है शासन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग से? शासन प्रशासन से ये कहना है कि अगर वो प्रत्येक जो आशा वर्कर है, हर क्षेत्र के आशा वर्करों को, गली के आशा वर्करों को ड्यूटी दे दे, अपने वहाँ पर जाए, टेम्परेचर चेक करे और स्थिति बताए, तो सब कुछ सही, स्थिति कंट्रोल हो सकती है। धन्यवाद।